फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने मेहंदी रात को लगा ली थी और मेरी गुड़िया ने लगाई थी मुझे मेहंदी। देखिए इस वक्त ये थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली है और देखना कितनी सुंदर ये गुड़िया सी छाप दी थी हाथ पर। और देखो पीछे का डिजाइन भी अच्छा लग रहा था। ये देख लीजिए और देख लीजिए, आज को बताइए आप सबको, आज करवा चौथ है और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड, इसी तरह से सबको करवा चौथ आता रहे, अच्छी तरह से मनाते रहें लेडीज। और फिर ना हमारी बहू ने मुझे तैयार कर दिया था, मेरे जेठ के लड़के की बहू है फ्रेंड, उसने मुझे तैयार कर दिया था। अच्छी तरह से थ्रेडिंग वगैरह भी बना दी थी मेरी। और फिर देखो हमने कहानी सुन ली थी बैठकर, फ़ोन में ही सुनी थी फ्रेंड हमने कहानी भी, इस तरह से तैयार तैयार होकर। देख लीजिए, और बहुत लंबी कहानी है फ्रेंड। इस तरह से पहले हमने माता करवा की कहानी सुनी थी और फिर गणेश जी की कहानी सुन ली थी। और फिर देख लीजिए फ्रेंड, मेहंदी का कैसा आया है, ये रचने के बाद इस तरह की दिख रही है फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, और फिर इसके बाद ना मैं अपनी बहन के घर चली गई थी, मेरी बहन घर पर नहीं थी इसलिए बहू मुझे ही करवा देती है। तो फिर उसके साथ कोई आने वाला नहीं था ना फ्रेंड, इसलिए फिर मैं खुद ही चली गई थी। उन्होंने कह दिया था कि आप ही आ जाना मौसी जी। और इसके बाद फिर मैंने उनके पास बैठकर भी कहानी सुन ली थी और फिर मैंने करवा भी ले लिया था। और फिर देखो मेरे बुआ जी का देवर का लड़का है प्रिंस, वो मुझे अपने घर लेकर चला गया था क्योंकि उनका घर रास्ते में ही आता है फ्रेंड। और हर रोज़ कहता था कि आप आती नहीं हो दीदी, और उन्होंने हमको देख लिया था ना, वहीं पर आ गया था मेरी बहन के घर पर ही। और देख लीजिए उनका मंदिर कितना सुंदर बना रखा था फ्रेंड, बहुत सुंदर मंदिर था उनका फ्रेंड। और आज के दिन ना फ्रेंड देखो हमारे घर नहीं दाल चावल ही बनते हैं करवा चौथ को, ये देख लियो। और हमने दाल और चावल बना लिए थे फ्रेंड। और आप सभी को ना मेरी तरफ से, सब लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड। इसी तरह से लेडीज़ों के लिए, हम सब के लिए इसी तरह से अच्छी तरह से करवा चौथ आता रहे फ्रेंड।